ओके, तो आई वाज टेलिंग यू अबाउट डेटा ट्रांसमिशन. द फर्स्ट मेथड इज सिंप्लेक्स. सिंप्लेक्स मींस वन वे ट्रांसमिशन. वन वे ट्रांसमिशन इट मींस इफ ए इज अ सेंडर, ही और शी कैन ओनली सेंड डेटा टू बी. बी कुड नॉट सेंड डेटा टू ए. इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है रेडियो, टीवी, पीसी, सॉरी पीसी टू प्रिंटर, और कैन से कीबोर्ड और माउस टू पीसी. ये सी एग्जाम्पल. ठीक है, यहाँ तक क्लियर? दिस थिंग इज क्लियर? यस सर. ओके गुड. सेकेंड मोड इज हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन. अभी हम इसको डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, इसका इस डायरेक्शन ऑफ डेटा. फर्स्ट इज सिंप्लेक्स, सेकेंड इज हाफ डुप्लेक्स. हाफ डुप्लेक्स बेसिकली टू वे ट्रांसमिशन. रिमेंबर, टू वे ट्रांसमिशन बट नॉट एट सेम टाइम. बट नॉट एट सेम टाइम मीन इफ ए इज सेंडिंग टू बी, बी कुड नॉट सेंड डेटा एट द सेम एट द टाइम ए सेंड. व्हेन ए ट्रांसमिशन इज ओवर देन बी कैन सेंड डेटा ए. मूसा, कैन यू टेल मी एग्जाम्पल ऑफ हाफ डुप्लेक्स? डू यू हैव एनी आइडिया? नो सर. क्या नाम है? सेकेंड वन इज मोहम्मद सुभान रजा. सुभान रजा, कैन यू टेल मी? यस सर, व्हाट्स द क्वेश्चन? सॉरी, आई वाज इन द वॉशरूम. ओह सर, आई वाज कंटिन्यूअसली आस्किंग. ओके ओके, हैव यू हर्ड दिस टॉपिक? यस सर. यस सर. So you have any idea about simplex, half duplex, and full duplex? Simplex, duplex, and whatever. These include different types of data transmission. Okay. Some involve full क्या कहते हैं transmission of data. And अभी आपको screen पे कौन सा नजर आ रहा है? Half duplex नजर आ रहा है? Screen पे duplex. एक second. नहीं अब जा रहे एक one, give me 1 minute. मैं आपको recall करता हूँ. Screen पे देखिए, हमारा main topic है data transmission. ठीक है, तो yes. ये बताने जा रहे हैं कि data transmission के अगेंस्ट 3 फैक्टर्स होते हैं जो आपने कंसीडर करने होते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट फैक्टर है डायरेक्शन ऑफ डेटा. डेटा किस डायरेक्शन में मूव हो रहा है. ठीक है, तो अब जब हम डायरेक्टर ऑफ डेटा की बात करते हैं तो जो फर्स्ट वन होता है वो आपका सिंप्लेक्स होता है, जो मैंने अभी बताया था. आप शायद अभी वॉशरूम थे. तो सबसे पहला हो क्या होता है? सिंप्लेक्स. तो सिंप्लेक्स क्या होता है? वन वे ट्रांसमिशन होता है. क्या होता है? वन वे ट्रांसमिशन. तो सेकेंड वन है हाफ डुप्लेक्स. इसके बारे में लिखा है टू वे ट्रांसमिशन बट नॉट एट सेम टाइम. मैंने क्वेश्चन ये किया था, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ हाफ डुप्लेक्स? सर वॉकी टॉकी. गुड, जबरदस्त. और इसके अलावा वॉकी फैक्स टॉकी मशीन्स नॉर्मल सर, नॉर्मल व्हाट्सएप कॉल और फोन कॉल. नहीं, व्हाट्सएप में तो आप माइंड तो नहीं होते ना. आपने मैसेज किया हाय, उधर से हेलो आ गया. यू आर नॉट वेटिंग. यहाँ पे आपको वेट करना पड़ता है. जब तक ए की ट्रांसमिशन कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक बी ट्रांसमिट नहीं कर पाएगा. वॉकी टॉकी बेस्ट एग्जांपल. इसके अलावा भी एग्जांपल दें. यस रजा, एनी आइडिया अबाउट बाय यू? वन सेकंड सर, आई एम थिंकिंग. सर आई एम ब्लैंक. ओके, वही था एक वॉकी टॉकी जो मुझे भी आया था, लेकिन वो पहले बोल दिया हमने. ठीक है, मैं आपको बताया. सेकंड एग्जांपल है, आपने एटीएम ऑपरेशन, एटीएम तो यूज किया होगा ना? यस सर. एटीएम में क्या होता है? क्या कहते हैं, हम एटीएम मशीन में डालते हैं और हम अपने इनपुट करते हैं, तो क्या कहते हैं, ट्रांसमिट होता है वन वे. देखिए, सबसे पहला स्टेप क्या होता है? आप इंसर्ट करते हैं कार्ड, है ना? आप जब कार्ड इंसर्ट करते हैं तो बेसिकली आपकी तरफ से इंफॉर्मेशन चली गई, मशीन या कंप्यूटर इसको रीड करता है. तो जब तक ये रीड कर रहा है, आप कुछ और काम कर सकते हैं?
नो सर, ऐसे ही है ना, यू आर वेटिंग फॉर मशीन, ऐसे ही है ना। यस सर, यस सर, इसका मतलब ये हुआ, यू आर ए, यू आर ए, ए इज सेंडिंग डेटा टू बी, अब बी रीड कर रहा है, ठीक है। जब वो कार्ड की इंफॉर्मेशन रीड कर लेता है, उसको वेरीफाई कर लेता है, तब वो आपसे कहता है इंसर्ट योर पिन नंबर, इंसर्ट योर, ऐसे ही है। सेकंड स्टेप क्या होता है, इंसर्ट पिन नंबर। इसका मतलब अब बी ने आपको कहा, बी ने ए को कहा इंसर्ट पिन नंबर, अब जब तक आप पिन इंसर्ट नहीं कर लेते, क्या तब तक मशीन कोई और इंस्ट्रक्शन दे सकती है आपको? नो सर, उसका एक वेटिंग टाइम होगा कि अगर यूजर ने 5 मिनट लगा दिए, 10, कोई वेटिंग टाइम होगा कि अगर यूजर 5 मिनट तक कोई पिन नंबर एंटर नहीं करता, तो ऑटोमेटिकली कार्ड को एक्सट्रैक्ट कर देगा, ऐसे ही ना। अब आप ए हैं, तो आपने पिन इंसर्ट कर दिया, ठीक है, आपने पिन इंसर्ट कर दी, अब आपकी पिन वेरीफाई होने चलेगी, पिन वेरीफाई, ऐसी है। तो जब तक पिन वेरीफाई हो रही है, अब आपकी तरफ से इंफॉर्मेशन बी को चलेगी, बी इज वेरीफाइंग, बी इज अ मशीन। जब तक वेरीफाई नहीं हो जाती, यू कैन नॉट गिव फर्दर इंफॉर्मेशन। तो इसमें देखें, ए बी पर डिपेंड है, बी ए पर डिपेंड, इस तरह की इंफॉर्मेशन को हम कहते हैं हाफ डुप्लेक्स, सही है। इधर क्लियर, आपकी पिन यस सर, वेरीफाई होगी, उसके बाद आपसे कहा, पिन वेरीफाई हो जाएगी तो आपसे कहा जाएगा एंटर योर बैलेंस, अब आप बैलेंस इंसर्ट करेंगे, जब तक बैलेंस इंसर्ट नहीं करेंगे तब तक वो मशीन वेट करेगी आप। जब आपने बैलेंस इंसर्ट कर दिया तो वो बैलेंस वेरीफाई होगा, ठीक है ना। अब वो आपको वेरीफाई करेगा, वो कहेगा ना आपसे, आप अमाउंट डाले, कितना अमाउंट विड्रॉ करना है, तो वो अमाउंट को वेरीफाई करेगा कि इतना अमाउंट आपके बैलेंस में है या नहीं है। अगर है तो वो विड्रॉ आपको अमाउंट तो आपको अमाउंट दे देगा, अदरवाइज वो आपसे कहेगा इनसफिशियंट बैलेंस, ठीक है ना। ये ऐसे ही होता है ना। तो ये भी वन ऑफ द सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ हाफ डुप्लेक्स। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट। अच्छा, थर्ड थर्ड मैंने डिस्कस करनी थी, फुल डुप्लेक्स, फिर हम इसको वो थ्रो कर लेंगे। थर्ड वन एवरीबडी इज नोन बाय, फुल डुप्लेक्स, दिस इज फुल डुप्लेक्स। इसकी डेफिनेशन ये है, टू वे ट्रांसमिशन, टू वे, एट द सेम टाइम हाँ, सेम टाइम, एट द सेम टाइम, यानी इस पर आप डिपेंडेंट नहीं है। अगर ए डेटा सेंड कर रहा है और बी रिसीव कर रहा है, तो सेम टाइम बी भी रिसीव कर रहा है, और बी सेंड कर रहा है, ए रिसीव कर रहा है, ए डेटा सेंड कर रहा है, बी रिसीव कर रहा है। इसकी ये एग्जाम्पल। इसकी बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, एनी आइडिया? यू नो दैट ब्रॉडबैंड कनेक्शन, ब्रॉड कौन सा? ब्रॉडबैंड हाँ ठीक है, नॉट ब्रॉडबैंड, आप इसको जनरलाइज कर दें, एक तो टेलीफोन है, द इंटरनेट कनेक्शंस, हाँ इसी पे डिपेंड कर रहा है, इंटरनेट टेलीफोन पे चलता है या मोबाइल, ठीक है, और आप इंटरनेट कह सकते हैं इंटरनेट, ठीक है। तो ओके, अब हम इसके डिस्क्रिप्शन पे आ जाते हैं, जो बुक की डिस्क्रिप्शन है वो दी हुई है। नाउ गो थ्रू दिस वन, इसको गो थ्रू करें, वी हैव 2 मिनट। कर ओके लिया मैंने, गो थ्रू, ओके, दादा आपने भी रीड कर लिया? यस सर, ओके, एनी कंफ्यूजन? ओके नो सर, गुड, नाउ सी दिस, क्विकली गो थ्रू, देन आई विल आस्क क्वेश्चन।
अभी इन्होंने यहाँ पे सेकंड फीचर डिस्कस किया है, सीरियल एंड पैरेलल डेटा, ये इससे रिलेट कर सेकंड पॉइंट दिस वन। बताया द मेथड ऑफ ट्रांसमिशन, फॉर एग्जांपल हाउ मेनी बिट्स कैन बी सेंड एट द सेम टाइम, इसको हम कहते हैं सीरियल और पैरेलल। बिट्स या तो सिंगल पाथ में मूव करेंगी या मल्टीपल पाथ में मूव करेंगी। अगर बिट्स सिंगल पाथ में मूव कर रही है इट मीन इट इज अ सीरियल, ठीक है। एंड इफ बिट्स आर मूविंग ऑन मल्टीपल पाथ देन वी कॉल इट पैरेलल। तभी आपने डायग्राम में देखा होगा, आप फिर से देख लेते हैं, ये देखें टाइप्स ऑफ डेटा ट्रांसफर, बेसिकली इट इज रिलेटेड हाउ मेनी बिट्स टाइप, या तो डेटा सीरियल मोड में जाएगा या फिर पैरेलल मोड में जाएगा। सीरियल मोड में कब जाएगा, अकर व्हेन डेटा सेंड वन बिट एट अ टाइम ओवर अ सिंगल वायर चैनल, बिट्स आर सेंड ऑन वन आफ्टर द अदर एज अ सिंगल थिंग। तो ये दोनों एग्जाम्पल दी, सेंडर डेटा सेंड कर रहा है रिसीवर को, तो ये बिट्स आफ्टर बिट्स, बिट्स आफ्टर बिट्स को हम कहते हैं सीरियल ट्रांसमिशन। और इसमें हमेशा एक ही पाथ होगा, सिंगल पाथ, देयर वुड बी अ सिंगल पाथ, ठीक है। तो और अगर हम मल्टीपल पाथ पे डेटा सेंड करते हैं, ठीक है, ये आगे डिटेल दी ये बात। पैरेलल डेटा अकर व्हेन सेवरल बिट डेटा यूजुअली वन बाइट आर सेंड डाउन सेवरल चैनल और वायर ऑल एट द सेम टाइम। तो इसमें जो मेन डिफरेंस है सीरियल में और पैरेलल में, एक तो स्पीड का है। सीरियल जो है वो सीरियल इज स्लो, बट सीरियल कैन बी यूज फॉर शॉर्ट एज वेल एज लॉन्ग डिस्टेंस, ओनली सीरियल कैन बी परफॉर्म ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है, क्योंकि सिंगल पाथ ही उस पर यूज होता है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। तो लॉन्ग डिस्टेंस पे जितना भी डेटा मूव हो रहा है वो सीरियल ट्रांसमिशन एग्जाम्पल है, क्योंकि पैरेलल इज वेरी एक्सपेंसिव, इट कुड नॉट हैपन फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, पैरेलल कैन ओनली बी यूज फॉर शॉर्ट डिस्टेंस। जी मूसा, आप मुझे बताएं कि सीरियल और पैरेलल की एग्जाम्पल कहाँ पे अप्लाई होती है, सीरियल शॉर्ट डिस्टेंस में कहाँ होती है और लॉन्ग डिस्टेंस में कहाँ होती है। यस मूसा, एन एग्जाम्पल। सीरियल की तब हो सकती है बैंक कनेक्टिंग कंप्यूटर टू अ प्रिंटर, कंप्यूटर टू प्रिंटर सीरियल है या पैरेलल है? सीरियल। क्या नाम है रजा, कैन यू वेरीफाई दिस, इज ही राइट? कंप्यूटर टू प्रिंटर, यस सर। कंप्यूटर टू सीरियल की प्रिंट, जो वन बाय टाइम होता है एक सिंगल, क्या कहते हैं, एक सिंगल मींस के थ्रू होता है वन बाय टाइम, तो यस सर। मींस आप एग्री हैं कि कंप्यूटर टू प्रिंटर इज अ सीरियल ट्रांसमिशन, एम आई यस राइट? सर, यस। बट दिस इज रॉन्ग, कंप्यूटर टू प्रिंटर इज ऑलवेज पैरेलल ट्रांसमिशन, बिकॉज कि प्रिंटर को ह्यूज डेटा चाहिए, अगर वो एक बिट रिसीव कर रहा होगा तो प्रिंटिंग स्पीड बहुत स्लो हो जाएगी, ठीक है, रिमेंबर दैट, कंप्यूटर टू प्रिंटर इज ऑलवेज, यहाँ पे एग्जाम्पल दी होगी ना, यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं दी हुई बराबर, बट यू रिमेंबर, देखें सेंडर इज अ प्रिंट कंप्यूटर, रिसीवर इज अ प्रिंट, इट विल रिसीव मैनी बिट एट अ टाइम। अच्छा, आपका जो मदर बोर्ड है उसके अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं उसके अंदर कौन सी ट्रांसमिशन होती है, सीरियल या पैरेलल, एनी आइडिया? सीरियल। यस रदा, डू यू हैव आइडिया अबाउट सर विच काइंड ऑफ पैरेलल। पैरेलल? नॉर्मली मदर बोर्ड में जितने भी कंपोनेंट्स हैं वहां पे जो डेटा ट्रांसमिशन है वो पैरेलल है, ठीक है, क्योंकि पीसी क्या कहते हैं सीरियल, पता है कौन सी होगी, कीबोर्ड और माउस टू पीसी, ये सीरियल होगी। देखें कीबोर्ड पे, अच्छा आपने सुना होगा वर्ड्स पर मिनट स्पीड होती है, वर्ड्स टाइपराइटर को हम हायर करते हैं, हम कहते हैं कि आपकी स्पीड जो है ना 80 वर्ड्स पर मिनट होने की, हम उस टाइपराइटर को हायर करें, 80 वर्ड्स पर मिनट के होते हुए भी एक वक्त में वो सिर्फ एक ही की प्रेस कर सकते हैं। जैसे आपने अपना नाम लिखना है, आप पहले, जैसे मेरा मूसा, पहले आप एम प्रेस करेंगे, फिर यू प्रेस करेंगे, फिर एस प्रेस करेंगे, फिर ए प्रेस करेंगे, एट अ टाइम आप सारी कीज़ नहीं प्रेस कर सकते, यानी पहले आपने एम प्रेस किया, फिर आपने यू किया, फिर एस किया, फिर ए किया, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ सीरियल ट्रांसमिशन, एक वक्त में एक करेक्टर मूव कर, गॉट द पॉइंट? तो कीबोर्ड और माउस टू पीसी इज अ सीरियल ट्रांसमिशन, रिमेंबर, ठीक है। सीरियल ट्रांसमिशन कैन परफॉर्म शॉर्ट डिस्टेंस, ओवर शॉर्ट डिस्टेंस, ठीक है, एंड लॉन्ग डिस्टेंस। आप मुझे बताएं कि सीरियल ट्रांसमिशन लॉन्ग डिस्टेंस में
एग्जांपल देंगे हाउ इट इज बीइंग परफॉर्म ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस। यस रजा, यस रजा, एनी आइडिया कि सीरियल अरे ट्रा हाँ सी हाउ सीरियल ट्रांसमिशन इज परफॉर्म ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस, एनी एग्जांपल। सर इसके एग्जांपल्स देने मतलब रियल लाइफ यूजेस में जैसे हाँ ये रियल लाइफ ही है पहले ना, रियल लाइफ में कुछ आपकी लॉन्ग डिस्टेंस भी जितनी भी ट्रांसमिशन हो रही है ना वो सीरियल ही हो रही है ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस, पैरेलल पैरेलल सर हो नहीं सकती। तो यस कोई एग्जांपल दे दो। पेजिंग पेजिंग मशीन सर तो इनिशियल स्टेट थी, इसकी बेस्ट एग्जाम्पल इंटरनेट है ना, इंटरनेट भी तो आपका यही इसी पे था, क्योंकि इंटरनेट चलता है मोडेम, मोडेम एक डिवाइस है जो आपके कंप्यूटर को कनेक्ट करता है। राइट करते हैं पर मोडेम, आपने नाम सुना है मोडेम का? ये मोडेम इज अ डिवाइस, ठीक है, ये बेसिकली पीसी को कनेक्ट कनेक्ट पीसी टू टेली कम्युनिकेशन, यानी क्या कहें टेलीफोन से कनेक्ट कर देता है, और टेलीफोन के थ्रू आपका डेटा जाता है। हमारा डेटा ओवर इंटरनेट जितना भी मूव होता है वो सीरियल ट्रांसमिशन के थ्रू होता है, रिमेंबर, क्योंकि पैरेलल नहीं हो सकती, पैरेलल के लिए आपको मल्टीपल पाथ चाहिए, मल्टीपल वायर चाहिए। तो ओवर मतलब मेरा डेटा न्यूयॉर्क जाना है तो ज़ाहिर है इतनी ज़्यादा वायर तो नहीं जा सकती, तो डेटा तो सीरियल का मतलब होता है सिंगल पाथ, ठीक है, बिट आफ्टर बिट या कैरेक्टर आफ्टर कैरेक्टर, ये सीरियल ट्रांसमिशन की एग्जाम्पल है। थोड़ा सा हम पीछे इसके डिस्क्रिप्शन देखते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है सीरियल ट्रांसमिशन एफिशिएंट ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, सीरियल के बारे में क्या दिया हुआ है, एफिशिएंट ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, तो लॉन्ग डिस्टेंस में हमेशा सीरियल यूज होता है। ट्रांसमिशन रेट स्लोअर कंपेयर टू पैरेलल, हाँ सीरियल जो है बेसिकली स्लो होती है क्योंकि इसमें सबसे पहले ये बिट गई, पहले वन गया फिर जीरो गया फिर वन गया फिर जीरो फिर वन फिर वन, ऐसे इसीलिए स्लो होती है। यूटिलाइजेस सिंगल चैनल और वायर, यूटिलाइजेस ओनली वन चैनल और वायर फॉर डेटा ट्रांसमिशन, इसीलिए स्लो होती है लेकिन एक्यूरेट होती है, ये भी याद रखिएगा, सीरियल जो है ना एक्यूरेट होती है क्योंकि इसमें डेटा लॉस होने के कम से कम चांस होते हैं। डेटा अराइव एट इट्स डेस्टिनेशन फुली सिंक्रोनाइज, अब सिंक्रो यू नो अबाउट सिंक्रोनाइज क्या मतलब, क्या है ये वर्ड सुना है आप लोगों ने, क्या यस सर सर मतलब है ऑर्डर सिंक्रोनाइज में होना इसके ऑर्डर में? रजा आप बताएं, इज ही राइट सर एक साथ यूनाइटेड होके जाना यूनाइट यानी सेम, एरर एरर फ्री गुड, इसको हम कहते हैं सेम, मतलब जो सेंडर के पास डेटा है ठीक है उतना ही रिसीवर के पास डेटा है, आप दोनों का आंसर सही है, ठीक है, मतलब जनरलाइज सब कंप्लीट सेम होना चाहिए, जो सेंडर के पास डेटा है वो रिसीवर, इसका मतलब एरर फ्री है, यानी अगर इसके पास 100 MB है ठीक है तो इसके बाद भी 100 MB होना चाहिए, वही सेम जब वो ट्रांसफर होगा, कहने का मकसद ये है, इसलिए सीरियल में लेस एरर के चांस होते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है डेटा अराइव एट इट डेस्टिनेशन फुली सिंक्रोनाइज इंश्योर करेक्ट ऑर्डर डेटा, फिर एग्जाम्पल यूजेज दिया हुआ है कॉमनली यूज व्हेन कनेक्टिंग कंप्यूटर टू प्रिंटर वाया आई यूएसबी, यूएसबी एक सेपरेट वो है, नॉर्मली यूएसबी बेसिकली होता है अभी इसी चैप्टर में आएगा यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस, तो ये पोर्ट होती है, ये हम पोर्ट पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि इसके पॉइंट ऑफ बता रही है। चल फिर करेक्टरिस्टिक दिया हुआ सुटेबल फॉर सिनेरियो वेयर लोअर स्लोअर ट्रांसमिशन रेट आर एक्सेप्टेबल आइडियल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन वेयर सिंक्रोनाइजेशन इज क्रिटिकल, ठीक है, तो ये इन्होंने बताया, ये सारे पॉइंट क्लियर है, एनी कंफ्यूजन हेयर सर रजा? नो सर एंड नो सर हाँ ओके गुड, अच्छा रजा इससे पहले हम इसका टॉपिक पढ़ चुके हैं डेटा पैकेट, ठीक है, और स्विचिंग वो टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, वो हम रिवाइज कर लेंगे लेटर ऑन, ठीक है, ओके, ठीक है सर ये पैरेलल आ गया जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक चीज़ ये देखें, इन्होंने एक पॉइंट दिया हुआ है, ये पीछे भी दिया हुआ था कि ट्रांसमिशन सीरियल हो इट कैन बी सिंप्लेक्स हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स, रिमेंबर, ठीक है, यानी सीरियल सिंप्लेक्स हो सकता है, सीरियल हाफ डुप्लेक्स हो सकता है, सीरियल फुल डुप्लेक्स हो सकता है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये माइंड में रखिएगा, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, तो ये भी हम देखेंगे हाउ टू गिव क्वेश्चन आंसर। यहाँ पे दोबारा ने लिखा हुआ है नोट के पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन कैन बी सिंप्लेक्स
आप अप्लाई और यानी ये बेसिकली डायरेक्शन के बारे में बता रहे हैं कि वन वे हो सकता है हाफ डुप्लेक्स यानी टू वे बट नॉट एट सेम टाइम, फुल डुप्लेक्स टू वे बट एट सेम टाइम, ये इस तीनों वर्ड में हो सकता है। अच्छा अब फर्दर डिस्क्रिप्शन दी हुई, ये देखें पैरेलल ट्रांसमिशन इफेक्टिव फॉर शॉर्ट डिस्टेंस। मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो पैरेलल है इट कैन ओनली परफॉर्म शॉर्ट डिस्टेंस नॉट ओवर लॉन्ग इश्यू, ओवर लॉन्गर डिस्टेंस स्पेशली बियॉन्ड 20 मीटर, 20 मीटर से ज्यादा हो तो ये परफॉर्म नहीं हो सकता। डेटा कैन बिकम स्क्यूड यानी डेटा रिसीवर साइड पे जो है ना एरर एरर प्रोन हो जाएगा, एरर में कन्वर्ट हो जाएगा, अराइविंग अनसिंक्रोनाइज एंड बिट्स मे बी आउट ऑफ ऑर्डर। स्क्यूड का मतलब ये होता है कि डेटा करेक्ट ऑर्डर में नहीं रिसीव हुआ या कंप्लीट बिट्स में रिसीव नहीं हुआ। लॉन्गर वायर एक्सआर वेट दीज प्रॉब्लम, तो ज़्यादा लॉन्गर डिस्टेंस पे नंबर ऑफ वायर को स्प्रेड नहीं कर सकते इसीलिए अनयूजफुल है, नॉट यूजफुल फॉर लॉन्गर डिस्टेंस, बट फास्टर फास्टर कंपेयर टू सीरियल डेटा, ये बहुत फास्टर होगा। तो नॉर्मली आपके इन साइड सिस्टम ये पैरल ट्रांसमिशन यूज होगी, कंप्यूटर इंटरनल सर्किट वाइडली यूज इन इंटरनल सर्किट ऑफ कंप्यूटर, ये आपको रजा ने बताया था। एसेंशियल फॉर हाई स्पीड ट्रांसमिशन बिटवीन क्लोज क्लोजली लोकेटेड कंपोनेंट, बहुत क्लोज होंगे 20 मीटर के अंदर वहाँ पे ये यूज हो सकती है। आइडियल फॉर सिनेरियो वेयर द ट्रांसमिशन डिस्टेंस इज शॉर्ट, ओके ये ऑलरेडी डिस्कस हो गया। नॉट सुटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ड्यू टू सिंक्रोनाइजेशन एंड अदर इशू, सिंक्रोनाइजेशन के अलावा आप इतनी नंबर ऑफ वायर स्प्रेड ही नहीं कर सकते, इट इज टू मच कॉस्टली इफ यू डू दैट। ठीक है इसमें कोई प्रॉब्लम? नो no. नाउ इट इज आस्किंग एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय सीरियल हाफ डुप्लेक्स डेटा ट्रांसमिशन। नाउ क्या नाम है रजा, आपने सीरियल को एक्सप्लेन करना है, और क्या नाम है मूसा, आपने हाफ डुप्लेक्स एक्सप्लेन करना है विद एग्जांपल। एक्सप्लेन करो सर, शुरू कर लूँ हाँ इसको शुरू, यू कैन सीरियल राइट ऑन स्क्रीन, ट्रांसमिशन? यू कैन राइट ऑन स्क्रीन, कैन यू राइट? सर लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, मैं लैपटॉप पे हूँ अच्छा क्योंकि लैपटॉप है, चलो आप एक्सप्लेन कर। सीरियल ट्रांसमिशन इज व्हेन वी सेंड्स सिंगल बिट्स ऑफ डाटा फ्रॉम वन डिवाइस एट अ टाइम एट वन टाइम। सो ओके इसके एग्जांपल हो सकता है कि हम जैसे सेंड कर रहे हैं क्या कहते हैं, वन सेकंड सर, एक वॉकी टॉकी से हम अपने दोस्त से बात कर रहे हैं, हम एक वक्त पे भेजेंगे डाटा इन स्मॉल बिट्स। लेकिन वन थिंग अबाउट सीरियल ट्रांसमिशन इज कि ये लॉन्ग डिस्टेंसिस पे नहीं होता एंड इट कैन नॉट बी डन विद हाई अमाउंट्स ऑफ डाटा, जैसे कि प्रिंटर्स और इंटरनल कंपोनेंट्स ऑफ लैपटॉप्स, क्योंकि दे ट्रांसफर टू मच डाटा एंड सीरियल ट्रांसमिशन की जगह उसमें पैरेलल यूज होता है। आपने सीरियल को किया या पैर हाफ डुप्लेक्स को किया? सीरियल सीरियल ठीक है सीरियल हाफ डुप्लेक्स, ठीक है चले ये तो आपने एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट वन देखते हैं, डेटा सेंड वन बिट एट अ टाइम ओवर अ सिंगल चैनल इन बोथ डायरेक्शन बट नॉट एट द सेम टाइम, ठीक है ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है। ओके इज दिस क्लियर? यस मूसा इज दिस क्लियर? गुड यस सर। नाउ मूसा यू विल एक्सप्लेन दिस वन, पैरेलल फुल डुप्लेक्स डेटा ट्रांसमिशन। पैरेलल पैरेलल भी हो और फुल डुप्लेक्स भी हो। ट्रांसमिशन ओके सर, पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन अकर्स व्हेन सेवरल बिट्स ऑफ डेटा आर सेंट डाउन ऑन सेवरल चैनल्स नेज और वायर्स ऑल एट द सेम टाइम। ईच चैनल और वायर ट्रांसमिट्स वन बिट ओके एंड फुल डेफिनेशन फुल डुप्लेक्स मोड अकर्स व्हेन डेटा कैन बी सेंट इन बोथ डायरेक्शंस एट द सेम टाइम। गुड चले ये देखें, सेवरल बिट्स ऑफ डेटा सेंड डाउन मल्टीपल चैनल इन बोथ डायरेक्शन एट द सेम टाइम, ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन, ठीक है कंप्लीट डेफिनेशन। ओके नाउ सीरियल सिंप्लेक्स डेटा ट्रांसमिशन, यस रजा सीरियल भी हो और सिंप्लेक्स भी, यस लगा सर वन सेकेंड, वन फैक्टर। ओके कैन यू से इट अगेन?
सॉरी सर, मेरी बहन में कमी आई थी, मैं बिल्कुल कुछ नहीं सुन पाया। कैन यू टेल मी अगेन? मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा सर। ये वाला क्वेश्चन आपने एक्सप्लेन करना है, आपके सामने फ्लैश हो रहा है क्वेश्चन, सीरियल यस आई वांट टू। सिंप्लेक्स दे रहा हूँ, सीरियल भी हो और सिंप्लेक्स भी हो, दोनों फीचर आपने एक्सप्लेन करना। सर सीरियल एंड सिंप्लेक्स यानी कि वन एट अ टाइम, क्योंकि सीरियल तो है ही वन बिट एट अ टाइम, एंड सिंप्लेक्स मींस के ओके वन मोड ऑफ ट्रांसमिशन एट अ टाइम, सो फ्रॉम वन डिवाइस वन बिट एट अ टाइम। समहाउ इज ओके, बट थोड़ी सी कंफ्यूजन थी कि आपने इसको वर्ड्स को प्रॉपर रीअरेंज करना है। जैसे यहाँ लिखा डेटा सेंड वन बिट एट अ टाइम, ये वर्ड आपने लाजमी यूज करना है, वन बिट एट अ टाइम ओवर अ सिंगल चैनल। अब ठीक है ना, वन बिट भी हो और ओवर सिंगल, ये दो फीचर आने चाहिए सीरियल के अंदर। वन बिट एट अ टाइम ओवर, अब एट अ टाइम अगर आगे आ रहे हैं इन वन डायरेक्शन ओनली, तो ये सिंपलेक्स को डिफाइन कर, यानी इसके दो दो पार्ट्स हैं ना, क्योंकि उसने आपसे दोनों पूछे हैं। एक तो वन बिट ये सीरियल को ट्रांसमिट कर रहा है और शो कर रहा है, और सिंगल चैनल सेकंड फीचर ऑफ सीरियल ट्रांस इन वन डायरेक्शन, ये सिंपलेक्स। ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक सीरियल, गॉट इट? यस सर। ओके नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ डेटा ट्रांसमिट आर बीइंग डिस्क्राइब, डेटा इज सेंड वन बिट एट अ टाइम इन वन डायरेक्शन। मूसा ना नेम सर बताओ, सीरियल डेटा ट्रांसमिशन, सीरियल प्लस सर पूरा पढ़ो, सीरियल प्लस डेटा ट्रांसमिशन। नहीं सीरियल तो है, इसमें कुछ एक और फीचर भी ऐड हो रहा है। ये कह रहा है अभी आपको पीछे बताया था अभी 10 सेकंड पहले, सिंप्लेक्स हाँ सिंप्लेक्स, ये देखे ना, ये वाला, सर ये सिंप्लेक्स को बता रहा है और ये वन बिट एट अ टाइम। यस राधा, इज इट क्लियर? यस सर इट्स क्लियर। ये देखें सीरियल सिंप्लेक्स डेटा ट्रांसफर, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट वन, डेटा इज बीइंग सेंड 8 बिट एट अ टाइम इन वन डायरेक्शन, राधा यू विल टेल। सीरियल हाफ डुप्लेक्स। सीरियल हाफ डुप्लेक्स, गुड। नहीं देखें आपने गलत बताया, वन डायरेक्शन ओनली वन, ठीक है वन डायरेक्शन, वन डायरेक्शन में ही सिंप्लेक्स आएगा। एक तो 8 बिट, और ये एट बिट्स सीरियल एट अ भी नहीं है टाइम और यानी ये कि पैरेलल पैरेलल। है, और ये पैरेलल है, यस पैरेलल, पैरेलल। हाँ पैरेलल सिंप्लेक्स, पैरेलल सिंप्लेक्स। तो पैरेलल की एग्जांपल यानी आइडेंटिफिकेशन क्या है कि नंबर ऑफ बिट्स मोर देन वन होगी ना, 8 बिट्स, 8 बिट्स मीन्स पैरेलल। तो आपने इसको इस तरह ब्रेकअप कर लेना, वन डायरेक्शन ओनली मीन्स सिंप्लेक्स। ठीक है, गॉट दैट? यस सर। गुड। ओके मूव टू नेक्स्ट वन, पैरेलल सिंपलेस्ट डेटा ट्रांसफर, डेटा इज बीइंग सेंड 16 बिट एट अ टाइम इन बोथ डायरेक्शन सैमिलिट, क्या नाम है मूसा? पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन एंड हाफ डुप्लेक्स। रजा इज ही राइट? नो सर, साइमल्टेनियसली हो रहा है, तो तो इट्स गोइंग टू बी पैरेलल फुल डुप्लेक्स या यस, फिर हाँ यू आर कुछ। राइट, इसका मूसा आपका हाफ आंसर सही था। ठीक है, वी कैन सी पैरेलल आपने बताया, ये हाफ डुप्लेक्स नहीं फुल डुप्लेक्स, बिकॉज यहाँ पे साइमल्टेनियस का वर्ड आ रहा है, नॉट साइमल्टेनियस, अगर नॉट आया था तो फिर आपका आंसर सही था, योर आंसर ओके। मूसा इज दिस क्लियर? यस सर। गुड, डेटा सेंड 1 बिट एट अ टाइम इन बोथ डायरेक्शन साइमल्टेनियसली। यस राधा, योर योर टर्न, सीरियल फुल डुप्लेक्स। सीरियल फुल डुप्लेक्स, क्या नाम है मूसा? इज ही राइट? यस सर। गुड, बोथ ऑफ यू राइट, सीरियल फुल डुप्लेक्स डेटा, डेटा सेंड 16 बिट एट अ टाइम इन वन डायरेक्शन ओनली। यस मूसा, पैरेलल एंड सिंप्लेक्स। गुड, राधा इज ही राइट? यस सर। ओके, पैरेलल भी है और सिंप्लेक्स भी है, गुड।
अच्छा ये यहाँ पे इन्होंने दिए हुए शोज द कंपैरिजन बिटवीन सीरियल एंड पैरेलल ट्रांसफर की बुक, ये दिए हुए हियर यू कैन आइडेंटिफाई डिफरेंसेस ऑफ सीरियल एंड पैरेलल, क्विकली इसको गो थ्रू कर ले, देन वी कैन डिस्कस, यू हैव 2 मिनट्स। कर लिया गौतम। ओके ब्रदर, हैव यू डन? तो यस सर। मूसा, आपने सीरियल को समराइज करके बताना है क्या क्या फीचर आपने यहाँ से गोच रखी है। यू हैव टू समराइज सीरियल। सर इसमें तो आ गया है कि सीरियल के फीचर्स आएंगे इसमें, इसके दैट देयर आर लेस रिस्क ऑफ एक्सटर्नल इंटरफेरेंस पैरेलल के मुकाबले में, और ये सीरियल मोर रिलायबल होता है लॉन्गर डिस्टेंस में, और ये ट्रांसमिट हो सकता है जो इसकी ट्रांसमिट बिट्स हो सकती है उनका उनमें उनके कोई रिस्क नहीं है सिक्योर्ड होने के, और ये लॉन्गर डिस्टेंस के लिए सेंड होता है और ये लेस एक्सपेंसिव होता है देन पैरेलल ड्यू टू। अच्छा इसका क्या मतलब है एक्सटर्नल इंटरफेरेंस? एनी आईडी ये क्या है एक्सटर्नल इंटरफेरेंस? इंटरफेरेंस किसको कहते हैं? सर भाई सर डिस्ट्रक्शन सर डिस्ट्रक्शन डिस्ट्रक्शन। तो बेसिकली जब क्योंकि ये सिंगल वायर है ना, तो अब मल्टीपल वायर जब यूज होती है ना, तो मल्टीपल वायर पर जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो एक दूसरे को डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है ना? तो इसके अंदर ये चांस बहुत कम होता है ना, क्योंकि ये ओनली सिंगल वायर को यूज कर रहे हैं, इसलिए इसके अंदर एक्सटर्नल इंटरफेरेंस के चांसेस बहुत कम है। बाकी आपने पॉइंट ये बताए। रजा, कैन यू समराइज पैरेलल? As compared to serial transmission, parallel is much faster and it works well over shorter distances. इसके लेकिन एक मसला है कि इसके जो ज़्यादा चैनल्स हैं इस वजह से इसके डाटा थोड़ा बहुत सिंक्रोनाइज नहीं रहता, इट्स मोर स्क्यूड। लेकिन जब हमारी प्रायोरिटी स्पीड होती है तो ज़्यादातर हम पैरेलल ही यूज़ करते हैं। एंड अनदर रीज़न वाई इट्स यूज इज बिकॉज इफ आर डाटा इज टाइम सेंसिटिव और कैन बी अफेक्टेड इन कॉन्टेक्स्ट टू टाइम देन पैरेलल हेल्प्स विद दैट एंड दैट्स वाई इट्स द मोर अप्रोप्रिएट मिशन मेथड ऑफ ट्रांसमिशन। अनदर थिंग इज आप पैरेलल के जो होते हैं पोर्ट्स इनके काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क का होता है जिसकी वजह से ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं ये सीरियल से, बिल्कुल और इनको हैंडल करना ज़्यादा आसान होता है क्योंकि इनके लिए प्रोग्रामिंग ज़्यादा आसान है। ओके गुड। बेसिकली पैरेलल जो है, बस इसका एक ही इशू है कि ये लॉन्गर डिस्टेंस पे इसको यूज नहीं कर सकते, ठीक है? मोर अप्रोप्रिएट फॉर शॉर्टर डिस्टेंस। अच्छा इसके बाद है टॉपिक पोर्ट्स, यूएसबी पोर्ट। डू यू हैव आइडिया अबाउट यूएसबी पोर्ट? अच्छा मुझे बताएं पोर्ट्स क्या होती हैं, व्हाट इज पोर्ट? कंप्यूटर पोर्ट्स। सर पोर्ट्स हाँ कंप्यूटर पोर्ट्स, आपने ये वर्ड सुना है पोर्ट्स? पोर्ट्स जहाँ पे हम क्या कहते हैं चीजें इनपुट करते हैं, जैसे लेट से कोई भी तार की जो है इनपुट, जैसे एचडीएमआई केबल का पोर्ट ठीक है, या एचडीएमआई। हाँ फिर गुड यूएसबी केबल का पोर्ट ओके। मूसा आप फोन बताएं, चार्जर डू के लिए। यू हैव एनी आइडिया अबाउट पोर्ट्स? हैव यू हर्ड अबाउट पोर्ट्स? यस इसका मतलब है कि डाटा जिसके अंदर बाहर होता है। हाँ, इसमें ये बेसिकली पोर्ट्स वो पॉइंट होता है जिसके थ्रू एक्सटर्नल डिवाइसेस को कनेक्ट किया जाता है सीपीयू के साथ, ठीक है? जितनी भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं जिसको हम कहते हैं एक्सटर्नल डिवाइसेस। क्या कहते हैं? एक्सटर्नल डिवाइसेस। इसका एक और नाम होता है आपने सुना होगा, पेरिफेरल। हैव यू हर्ड अबाउट पेरिफेरल? ये जितनी भी डिवाइसेस होती हैं पेरिफेरल होती हैं, इसको पेरिफेरल भी कहते हैं, इन आईओ डिवाइसेस भी कहते हैं, एक्सटर्नल डिवाइस। दे कनेक्ट विद द सीपीयू, यानी ये आपका माउस होता है, कीबोर्ड होता है, और क्या कहते हैं, स्कैनर है, प्रिंटर है, कैमरा है, एनी इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस विच इज कनेक्टेड आउटसाइड द कंप्यूटर, इट रिक्वायर अ पोर्ट।
पहले इनिशियली पोर्ट्स आती थी, सीरियल पोर्ट होती थी, याद पता है आपको? एक सीरियल होती थी और एक पैरेलल होती थी, ठीक है? मेनली ये दो बेसिक पोर्ट्स होती थी, इसके अलावा भी होती थी लेकिन मेनली ये दो पोर्ट्स होती थी, सीरियल एंड पैरेलल। सीरियल एंड पैरेलल को रिप्लेस कर दिया फ्यूचर में, यानी 20 ईयर्स बैक, सीरियल और पैरेलल ये अलग अलग पोर्ट्स आती थी कंप्यूटर के बैक साइड पे, तो इसी को रिप्लेस कर दिया बेसिकली यूएसबी पोर्ट्स, यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है? अब आपकी जितनी भी डिवाइसेस हैं, मोस्ट ऑफ द डिवाइसेस कनेक्ट थ्रू यूएसबी पोर्ट विद द कंप्यूटर, ठीक है? तो जिसके अंदर एक पहले वर्जन 1 आया था, फिर 2 आया, फिर अब 3 आ गया, ठीक है? तो इट इज ग्रेजुअली इंप्रूविंग, मोस्ट ऑफ द डिवाइसेस कनेक्ट थ्रू यूएसबी पोर्ट। इसके अलावा आपने एचडीएमआई पोर्ट का नाम सुना होगा, ठीक है? पोर्ट्स आर पोर्ट्स इज अ कनेक्टिंग पॉइंट थ्रू विच आर योर डिवाइसेस कनेक्ट विद द सीपीयू और मदरबोर्ड और पीसी, वट एवर यू कैन से, ठीक है? इज दिस क्लियर? तो आप क्विकली इन पॉइंट्स को रीड करें, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। यू हैव 2 मिनट्स। यस रजा, हैव यू डन? यस सर। ओके मूसा, हैव यू कंप्लीटेड? सर। ओके ओके रजा, कैन यू ब्रीफली एक्सप्लेन फर्स्ट 2 पॉइंट्स? ओवरव्यू एंड केबल कॉम्पोजिशन। या अच्छा, यूनिवर्सल सीरियल बस, अदरवाइज नोन एज यूएसबी, इज अ वर्ल्ड वाइड यूज फॉर्म ऑफ सीरियल डाटा ट्रांसमिशन। इज दी मोस्ट कॉमन इनपुट स्लैश आउटपुट डिवाइस जो कि कंप्यूटर पीस होती है, जिससे हम डाटा ट्रांसफर करते हैं डिवाइस और कंप्यूटर के दरमियान। ओके नाउ द कंपोजिशन ऑफ द केबल इज सच एज के 4 वायर्स होती हैं जिनको शील्ड किया गया है रबर से, और ओके इनमें तो दो होती हैं पावर के लिए एंड दो होती हैं डाटा ट्रांसमिशन के लिए। जो पावर के लिए होती है वो रेड एंड ब्लैक है, और जो ट्रांसमिशन के लिए है वो व्हाइट एंड ग्रीन है। गुड। चले मूसा, लास्ट 2 पॉइंट कैन यू समराइज? ये डिवाइस कनेक्शन प्रोसेस वाले, हाँ, ये डुप्लेक्स ट्रांसमिशन और डिवाइस, ये दोनों, ये लास्ट 2 पॉइंट, ये और ये। इसमें डुप्लेक्स ट्रांसमिशन में बताया गया है, बताया ओके okay. तो डुप्लेक्स ट्रांसमिशन में बताया, डुप्लेक्स ओके योर वॉइस इज लैगिंग। ट्रांसमिशन में बताया गया है कि ओके आई एक्सप्लेन इट। डुप्लेक्स ओके बताया गया है कि यूएसबी हाफ डुप्लेक्स फुल डुप्लेक्स। अच्छा ओके डेविड, बेसिकली इसमें ये 4 फीचर हैं। पहले तो यूएसबी ओवरव्यू हो गया, यूएसबी केबल कंपोजिशन दे दिया, फिर डुप्लेक्स ट्रांसमिशन, इसमें यानी दोनों तरह दोनों मोड ऑफ ट्रांजिशन इन्होंने बताया है। यूएसबी सपोर्ट बोथ हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स, वेरी सिंपल। फिर ये भी बता रहे हैं डिवाइस कनेक्शन प्रोसेस क्या होता है, कि मैंने डिवाइस इज प्लग इन टू यूएसबी, तो ये प्लग एंड प्ले है। प्लग एंड प्ले का मतलब होता है कि जब भी हम कोई एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्ट करते हैं सीपीयू के साथ, तो सीपीयू रिक्वायर्ड अ ड्राइवर। आपने सुना है डिवाइस ड्राइवर? Have you heard about device driver? ये सॉफ्टवेयर होता है, अच्छा ये बेसिकली सॉफ्टवेयर होता है जो किसी भी आयो डिवाइस को रिकग्नाइज करवाता है विद सीपीयू। तो पहले हम जब भी कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्ट करते थे विद सीपीयू, तो इट रिक्वायर अ डिवाइस ड्राइवर, कि पहले इसका डिवाइस ड्राइवर कहाँ है, वो डाउनलोड करो, वो इंस्टॉल करो। तो हमें उसके साथ
पहले सीडीज आती थी, सीडीज से पहले फ्लॉपी डिस्क आती थी, वो लगा के हमें इसको रिकग्नाइज करवाना पड़ता था किसी भी इनपुट आउटपुट डिवाइस, तो बड़ा टाइम टेकिंग एक्टिविटी होती। लेकिन यूएसबी आने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये हुआ कि आपकी सारी डिवाइसेस प्लग एंड प्ले होगी, कंप्यूटर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट, देख ये सबसे बड़ा फीचर। वो जो हमारे 5-10 मिनट लग जाते थे पहले, जैसे प्रिंटर लगाते थे, कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस लगाते थे, तो कंप्यूटर को रिकग्नाइज करने के लिए हमें उसका डिवाइस ड्राइवर यानी उसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता था। तो उसके लिए हम शुरू में फ्लॉपी डिस्क होती थी, फिर वो सीडीज आ गई, डीवीडीज आ गई, इस तरह हम वो, या फिर बाद में इंटरनेट आ गया तो इंटरनेट से कर लेते थे। डिवाइस इज रिकग्नाइज एंड द एप्रोप्रिएट डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर इज लोडेड टू फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अभी भी यही होता है कि आप जब भी आयो डिवाइस लगाएंगे तो इट इज रिक्वायर्ड अ सॉफ्टवेयर। लेकिन अब इतने ज़्यादा सॉफ्टवेयर जो ऑलरेडी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर दिए गए हैं तो ऑटोमेटिकली पिक कर लेते हैं, तो अब हमें डिवाइस ड्राइवर देने की जरूरत नहीं पड़ती बिकॉज ऑफ यूएसबी, क्योंकि प्लग एंड प्ले खुद ही डिटेक्ट कर लेता है अगर सिस्टम के अंदर वो मौजूद है, एग्जिस्ट कर रहे हैं। दिस पॉइंट इज क्लियर रजा? इज दिस क्लियर यस सर, मूसा? दिस पॉइंट इज क्लियर? यस सर, ओके मूसा, ओके चले आप दोनों पहले इसको रीड कर लें, गो थ्रू कर लें 2 मिनट्स, देन वी डिस्कस। सर कर लिया रीड। न्यूज़ से पढ़ लिया है। सर ओके मूसा, यू विल एक्सप्लेन डिवाइस ड्राइवर हैंडलिंग। इसमें बताया गया है कि जब कोई नई डिवाइस डिटेक्ट होती है तो कंप्यूटर उस जैसे ड्राइवर को और जैसे ड्राइवर की मैचिंग करता यानी ड्राइवर को है, सर्च यानी करेगा ना, जो ड्राइवर और को सारे सर्च करेगा। इस तरह के ड्राइवर को सर्च करता है। यूजर्स को प्रॉम्प्ट होता है कि वो एप्रोप्रिएट ड्राइवर रिवर्स फिर डाउनलोड करें। अब तक टेक्नोलॉजी ज्यादा आ चुकी है, इसी वजह से ये यानी वो कह रहा है यूजर मे बी प्रॉम्प्टेड, अगर ड्राइवर एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा तो यूजर को कहा जाएगा कि डाउनलोड करो, अदरवाइज वो अपने डेटाबेस में से ही सर्च करके उसको एग्जीक्यूट करवा देगा। ठीक है, अब आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, 1% चांस है कि आपसे कहेगा डाउनलोड करें और फिर इंस्टॉल करना पड़ेगा, लेकिन अब ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता है, पहले हमें इंस्टॉल करना पड़ता। जी रजा, कैन एक्सप्लेन यूएसबी सी कनेक्टर? Yes, sir. The UCC connector is a new type of connector which is becoming more common in laptops, mobiles, etc. It's a ओके 24-pin symmetrical connector जो कि USB-C port में फिट करता है either way around, यानी कि दोनों साइड्स पर एक ही कनेक्टर है। It is smaller and thinner than older USB connectors and offers 100 watt power connectivity and data transfer at 10 gigabits Gbps per second. It's backward compatible with USB 2.0 and 3.0 अगर सही वाले adapters यूज की जाएं in different cases. हाँ, इसका It is कहने का मतलब expected to था। come the... ठीक Yes, है, sir. यू आर राइट, बेसिकली ये कह रहा है 3.0 वर्जन जो है ये 2.0 को भी सपोर्ट करता है। ठीक है, यानी 3.0 से पहले जितने भी वर्जन आए हैं उनको भी ये सपोर्ट करेंगे, बैकवर्ड कंपैटिबल विद यूएसबी 2.0 एंड 12, ओके विद सूटेबल अडॉप्टर। ठीक है, फॉर दैट यस सर, नाउ ये, अब आप ये जो पिक्टोरियल यहाँ पे जो एक्सप्लेन किया होता है यूएसबी केबल कंपोजिशन, वो यहाँ पे पिक्टोरियल फॉर्म में ये दिया होगा, रेड वाइट ग्रीन और ब्लैक वायर्स, इनका यूज हमने पढ़ लिया। ये यहाँ पे कंपेरिजन दिया होगा, बल्कि बेनिफिट दिया होगा, ड्रॉबैक दिया, एडवांटेज और डिसएडवांटेज, इसको गो थ्रू कर लें 2 मिनट्स के अंदर।
गो थ्रू कर मैंने भी ओके सर ओके दादा, कैन यू ब्रीफली एक्सप्लेन बेनिफिट्स? द बेनिफिट्स आर सच के डिवाइसेस प्लग इन द कंप्यूटर एकदम से डायरेक्ट की जाती हैं और डिवाइस ड्राइवर उनको फोन से लोड आउट कर देती हैं खुद से. कनेक्शंस ठीक है, भी एक ही तरह से फिट कर सकती हैं व्हिच प्रिवेंट्स इनकरेक्ट कनेक्शंस बीइंग मेड. ये एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बन चुका है यानी कि इसके लिए काफ़ी सपोर्ट है एंड आई कैन सपोर्ट डिफरेंट डाटा ट्रांसमिशन रेट्स फ्रॉम 1.5 Mbps टू 5 Gbps. देर इज नो नीड फॉर एक्सटर्नल पावर सोर्सेज क्योंकि केबल सप्लाई करते हैं +5 वोल्टेज के पावर और यूजी प्रोटोकॉल नोटिफाई करता है ट्रांसमीटर को कि अगर कोई एरर्स हो जाते हैं डिटेक्ट तो रीट्रांसमिट कर दे डाटा को ताकि एरर फ्री डाटा ट्रांसमिशन है. उसके अलावा काफ़ी आसान है ज़्यादा यूएसबी पोर्ट्स को ऐड करना बाई यूजिंग यूएसबी हब्स. और एक और की बात है कि यूएसबी बैकवर्ड कंपैटिबल भी होती है दैट इज़ अगर ओल्डर वर्जन को सपोर्ट किया जाए. गुड। नाउ मूसा, यू हैव टू एक्सप्लेन ड्रॉबैक्स ब्रीफली। ओके सर जो पहला ड्रॉबैक तुम्हारी आवाज क्यों रुक जाती है व्हेनेवर यू टॉक? सर सॉरी सर पहले ड्रॉबैक में ये कहा गया है कि जो स्टैंडर्ड यूएसबी होता है वो ओनली ये मैक्सिमम केबल लेंथ 5 मीटर सपोर्ट करता है. बियॉन्ड दैट यूएसबी हब्स आर नीडेड टू जो यूएसबी के हब्स होते हैं यानी जो कंपनी उनको उनकी उनकी जरूरत पड़ती है केबल एक्सटेंड करने के लिए. ये इवन तो हालांकि टेक्नोलॉजी इतनी आगे गई है कि यूएसबी बैकवर्ड कंपैटिबल है तो यूएस जो शुरू बने गए जो यूएसबी थे वो सिर्फ सिर्फ जो कि V1 के नाम कहलाते थे वो लेटेस्ट कंप्यूटर से हर वक्त ना सपोर्ट किए जाए. जो आखिरी ड्रॉबैक उसमें ये दिया गया कि जो लेटेस्ट वर्जन है V3 और V4 और USB-C ये उनका जो डाटा ट्रांसफर रेट है वो स्लोअर है कंपेयर टू एथरनेट कनेक्शन. ओके, नाउ सी क्वेश्चन। पैकेट हैव अ हेडर विच कंटेन द आईपी एड्रेस ऑफ सेंडर एंड द रिसीवर। यस सुभान, कैन यू टेल दिस वन ट्रू और फॉल्स? डू यू हैव आइडिया? ये बेसिकली हमारा फर्स्ट टॉपिक था डेटा पैकेट का ना, ये उससे रिलेट कर रहा है। आपको याद है इसके बारे में कुछ आइडिया है? यस सुमान, आर यू देयर? मूसा, आप बताएं, इज दिस हाँ ट्रू? ट्रू है ट्रू है। ओके सॉरी, दिस इज ट्रू। पैकेट डोंट रिक्वायर एनी फॉर्म ऑफ एरर चेकिंग। यस मूसा, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स ओके रजा, आर यू गेटिंग? यस यूएसबी सर यूज आ प्रोटोकॉल दैट अलाउ फॉर एरर फ्री डेटा ट्रांसमिशन बिटवीन डिवाइस एंड कंप्यूटर। यस रजा, यू कैन टेल? ट्रू ओके, सीरियल डेटा ट्रांसमिट सफर फ्रॉम डेटा स्क्यूइंग। मूसा, सर फॉल्स फॉल्स। द लॉन्गेस्ट केबल, हाँ, द लॉन्गेस्ट केबल लेंथ सपोर्टेड बाई यूएसबी इज 5 मीटर और लेस। यस राजा, ट्रू फॉल्स फॉल्स? सिंप्लेक्स डेटा ट्रांसमिशन अकर व्हेन डेटा इज ट्रांसमिटेड 1 बिट एट अ टाइम। भूसा, ट्रू तो ये राजा है और ये ओके। फुल डुप्लेक्स डेटा ट्रांसमिशन इन्वॉल्व सेंडिंग 8 बिट ऑफ डेटा एट अ टाइम। राजा, ट्रू वन सेकंड, ये कहाँ पे था? फुल डेटा इन्वॉल्व सेंडिंग 8 बिट। ओके ट्रू।
फिर है यूएसबी यूज सीरियल डेटा ट्रांसफर, मूसा। ट्रू। यूएसबी यूज सीरियल डेटा, गुड, ट्रू, ये भी ट्रू हो गया। ओके, पैकेट स्विचिंग प्रेवेंट लॉस ऑफ एनी डेटा पैकेट, मूसा। ट्रू। यूएसबी कनेक्शन कैन ट्रांसफर डेटा यूजिंग हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स, रजा। ट्रू। ट्रू सर। देखिए पहला ठीक है, दूसरा ठीक है, तीसरा भी ठीक है, चौथा फॉल्स है, ठीक है, ये आपका रॉन्ग है, ठीक है, दिस इज रॉन्ग। ये कह रहा है द लॉन्गेस्ट केबल लेंथ सपोर्टेड बाय यूएसबी 5 मीटर और लेस, ये ट्रू है, ठीक है। फिर है सिंपलेक्स डेटा ट्रांसमिशन अकर व्हेन डेटा इज ट्रांसमिट 1 बिट एट अ टाइम, तो ये फॉल्स है, तो ये भी रॉन्ग हो गया, ठीक है। उसके बाद यूएसबी यूज सीरियल डेटा, ठीक है, ये ट्रू है। पैकेट, ये रॉन्ग है, ठीक है, ये बेसिकली रॉन्ग है, ये फॉल्स है, मतलब पैकेट स्विचिंग एरर को रोक नहीं सकती, एरर कैन अकर, ये ट्रू है। ये आपको मैं शो कर देता हूँ, ये देख, गॉट इट, यस, मूसा इज दिस क्लियर, हेलो हेलो, यस सर। सो इंशाल्लाह सी यू टुमारो, ओके ओके, ओके सर। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।